जम्मू में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है जेके गैस कंपनी यानी कि पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूं जो नेशनल हाईवे पे स्थित है, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं महिलाएं खड़ी हैं। और ये महिलाएं जो ये ब्लॉक बना हुआ है पेट्रोल डलवाने का या डीजल डलवाने का, ये ब्लॉक सिर्फ महिलाओं के लिए है और महिला किसी से कम नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे कि किस तरीके से महिलाएँ यहाँ पर आकर पेट्रोल डलवाती हैं और उनको सर्विस भी कौन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ महिलाएँ। ये सीधी तस्वीर आपको जम्मू की दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं महिलाएं महिलाओं। यहाँ पर एक महिला पहुँची हैं अभी अपनी फोर व्हीलर से और यहाँ पर पेट्रोल डलवा रही हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। जी थैंक यू, अमर चौहान है मेरा। अमर जी, वॉइस ऑफ भारत में पहले तो आपका स्वागत है और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ देखने को मिला, क्या महसूस कर रही हैं कि आपको एक महिला पेट्रोल डाल रही हैं और ये पहला इनिशिएटिव है जेके फ्यूल पम्प का यहाँ पर जो काम कर रहे हैं? मुझे तो फील ही नहीं हो रहा कि मैं जम्मू में हूँ, क्योंकि जम्मू जैसे एक छोटे शहर में जहाँ पर अभी भी लोगों का माइंडसेट उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना मेट्रो सिटीज़ में है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो सोचते हैं कि सिर्फ औरतें घर का काम ही कर सकती हैं या टीचिंग लाइन में या सॉफ्ट काम कर सकती हैं, धूप पसीना नहीं सह सकती हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज है, क्योंकि फीमेल्स बहुत प्यार से स्माइल के साथ वेलकम कर रही हैं और गर्लिश लुक देने के लिए इन्होंने पिंक कलर का थीम रखा है जो कि अपने आप में फेमिनिज्म का एक प्रतीक है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। और जैसे कि आपने ये भी देखा कि एक इनिशिएटिव लेने के बाद, और महिलाएं वैसे भी किसी से कम नहीं हैं, सबसे आगे रहने की कोशिश करती है और हम चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े, क्या संदेश है आपकी तरफ से एक महिला होने के नाते जो महिलाओं को दबाने का काम करते हैं, उनको आगे नहीं आने देते, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, पहले तो आप दूसरों को देखकर तालियां बजाना और क्या बात है और मतलब फ़ोटोज़ या पोस्ट शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अपने घर में अपनी बेटियों के साथ अपनी बहनों के साथ उन लड़कों को या उन फादर्स को मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट करिए, उनमें जो भी टैलेंट है उन्हें आप निखारिए, और ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो कहती हैं जी हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है और हम काम क्या करें, तो इस तरह के स्पेशली लोगों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पर लिए जा रहे हैं एक एक करके। और एक छोटा सा मैसेज मैं यहाँ लड़कियों को भी देना चाहूँगी कि अगर पापा या भाई अगर वो ट्रस्ट करके बच्चियों को या अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी उतना ही रोल बनता है कि वो उस ट्रस्ट को बना कर रखें। तो आप देख सकते हो सारी लड़कियाँ मुझे लगता है मोस्टली यहाँ पर मैरिड हैं और मैरिड होने के साथ साथ वो घर का काम भी कर रही हैं, और आज यहाँ पर इतनी मौसम, आज लकीली मुझे लगता है कि खासतौर पर लड़कियों के लिए ही पूरा मौसम जो है आज अच्छा हुआ है, वरना 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। ऑब्वियसली बहुत एम्पावरिंग फील होता है टू सी कि हम मतलब इतने छोटी जगह है जम्मू, इतनी बड़ी मेंटालिटी भी नहीं है, बट औरतें अगर मतलब आगे आती हैं, विमेन एम्पावरमेंट इज़ समथिंग जो आजकल हम सब यूथ तो वी वर्क ऑन इट, इतना सब कुछ होता रहता है, जम्मू इज़ ऑलवेज नोन फॉर समथिंग बैड ओनली, तो इट इज़ बेटर कि अब ऐसा कुछ भी आ रहा है विच इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इट एंड इट इज़ नाइस, इट्स एक्चुअली अ वेरी प्राउड फील। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत देश को महिलाओं के लिए कि महिला सबसे किसी से कम नहीं है? नहीं, महिला तो कभी भी किसी से कम नहीं है, देवी का दर्जा दिया गया है इसे, तो अपेरेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कैटेगरी है ह्यूमंस में वो विमेन ही रही हैं, बट इट इज़ नाइस जैसे आसपास के लोग अगर इसे एक्नॉलेज करते हैं और उन्हें ही इक्वली मानते हैं, तो इट इज़ ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप में पहुँच जाएगी, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। एंड आई थिंक जो यहाँ पर हो रहा है बहुत सारे लोगों को अपनी अपने जॉब्स पर भी ये करना चाहिए अप्लाई, सो या कैसा इनिशिएटिव है ये? It's a good initiative. It's an initiative जो ना सिर्फ इनके लिए empowering नहीं है, it is empowering for everybody जो यहाँ पर आता है, men, women, everybody, सबको लगेगा अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यहाँ पर महिला employee जो पेट्रोल पंप पर मौजूद है उनसे बात करेंगे कि कैसा खुद में महसूस कर रही हैं, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको एक रोज़गार मिला और आपको महिलाओं को जैसे लाइनों में लगना पड़ता था पेट्रोल पंप में, और अब महिलाओं के लिए अलग सेक्शन बनाया है, कैसे क्या कहना चाहेंगे इसको? बहुत खुशी हो रही है कि महिलाओं के लिए अलग से खोला गया है, क्योंकि पहले उनको लाइन में लग के पेट्रोल डलवाना पड़ता था, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा लाइन में जेंट्स के बीच में, और आप खुद देख ही रहे हो कि महिलाएं आके कितनी खुश हैं कि यहाँ पे आके पेट्रोल डाल के, कितनी खुश हैं कि लेडीज़ अलग से उनके लिए रखी गई हैं, तो हमें भी बहुत खुशी है कि हमें भी इस टाइम काम की बहुत ज़रूरत थी, और सर का भी बहुत बड़ा शुक्रिया है कि सर ने हमें यहाँ पे जॉब दी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये इन्होंने हमारे साथ बात की, महिलाओं ने यहाँ पर जो यहाँ पर महिला कर्मचारी यहाँ पर जॉब कर रही हैं और महिलाओं को सर्विस दे रही है पेट्रोल और डीजल की, और बहुत खुशी है बाकी महिलाओं में भी,
खुशी है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जेके गैस कंपनी के ओनर यहाँ पर बीशम बत्रा जी हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इनसे बात करेंगे। ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है बहुत सराहनीय है कि महिला ही यहाँ पर पेट्रोल डलवाएगी, डीजल डलवाएगी और महिलाएँ ही उनको सर्विस भी देंगी, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, हम लोगों ने एक ये इनिशिएटिव लिया है जो फीमेल आइलैंड का एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, एंड जो अटेंडेंट्स भी हैं वो भी वुमेन अटेंडेंट्स रहेंगी यहाँ पे। हम लोगों ने बेसिकली एक सोसाइटी का वो बैरियर तोड़ने की कोशिश करी है जहाँ पे कि जो फीमेल हैं हमारे वो किसी भी मेल या पुरुष से पीछे नहीं हैं, तो उस चीज़ को हमने तोड़ने की कोशिश करी है। एंड वुमेन एम्पावरमेंट आजकल इतना है, एंड जॉब अपॉर्चुनिटी जो वुमेन जॉब अपॉर्चुनिटी वो थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश करी है जी। तो जैसे कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, आप औरों को क्या सीख दे रहे हैं? हम लोगों ने जैसे इनिशिएटिव लिया है, आने वाले समय में हम लेडीज़ के लिए कुछ स्कीम्स भी लॉन्च करेंगे, एंड आने वाले समय में, जैसे कुछ मैंने बताया आपको, आने वाले समय में स्कीम्स लॉन्च करेंगे, एंड वाटरलेस वॉशिंग का भी एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे फॉर फीमेल ड्राइवर्स। एंड मेरी बाकी हमारे जो पेट्रोलियम डीलर फ्रेटर्निटी है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हर पंप को ये एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। इससे अगर मैं हमारे HPCL की बात करूं, तो हमारे 50 से 60 पेट्रोल पंप हैं जम्मू डिवीज़न के, तो अगर उसी में हम लोग हर पंप पे 2 से 3 जॉब क्रिएशन कर सकें फॉर लेडीज़, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हम जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने इनिशिएटिव लिया ये, और उसके बाद आपने ये भी कहा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, मगर कहीं ना कहीं जो महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है, पीछे रखा जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सोसाइटी में जो लेडीज़ के लिए इक्वालिटी है, हम लोग उसी पे फोकस करना चाहते हैं कि हर लेडी को एक इक्वल नज़र से देखा जाए। ये ना हो कि पुरुष है तो वो ज़्यादा काम करता है या वो ज़्यादा आगे है, बट हम लोग इसी बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने लिए, और बहुत बहुत मुबारक है आपको कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो महिलाओं को आगे रखने की कोशिश करते हैं, वैसे भी पुरुष से महिलाएँ कम नहीं है, और सबके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये सीधी तस्वीरें जो आपको दिखा रहे थे, जम्मू से दिखा रहे थे, जेके गैस कंपनी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की है, महिलाओं को पेट्रोल पंप पे सर्विस दी है, और यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही आकर पेट्रोल डलवा सकती हैं, डीजल डलवा सकती हैं, और महिलाएँ ही उनको उनका पेट्रोल और डीजल डालेंगी। ये सीधी तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहा था, मेरे कैमरा पर्सन अनमोल के साथ विनीत कार्लू की विशेष रिपोर्ट वॉइस ऑफ भारत के लिए।